गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों को लास्ट वाला होली का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो और भी ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज है 1st of April। आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे बालों के जो कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब हो गई है। इट्स लाइक मैंने फर्स्ट टाइम इतने टाइम तक बड़े बाल किए हैं। अराउंड 1 साल हो गया। आज ही के दिन मैंने लास्ट ईयर बाल कटवाए थे, तब तो लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ बंद हो गया था। तो आई वॉज़ इन नोएडा मेरे मामा के यहाँ, सो मैंने उनके काटे, उन्होंने मेरे काटे। अब देखो कैसी हालत थी मेरी जब उन्होंने मेरे काटे थे। तो चलो कोई नहीं, हेयर की ट्रीटमेंट वगैरह होनी चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले एक थोड़ा सा काम है, वो भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसे, शायद आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही देखा होगा। चलिए चलते हैं। आज की कहानी होने वाली है मजेदार, तो अपनी सीट की पेटी बांधे और चुपचाप बैठे रहें। अभी मैं पहुंच गया हूँ प्रिया दी के घर पे। जो मेरे बाल की रफनेस है ना, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। होली के बाद मैंने एक भी बार ऑयलिंग नहीं की, तो शायद मे भी उसकी वजह से हो सकता है। बट इसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो कराना ही है भैया, बिकॉज मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि हेयर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। ऐसे पहले तो अपन छोटे ही बाल रखते थे, क्या बाल कटवा लिए बस। लेकिन उससे पहले हम लोग जा रहे हैं ओरियो के बाल की कटिंग कराने के लिए, बिकॉज गर्मियों का टाइम हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो कल हम लोग गए थे ऐसे ही ओरियो का कुछ सामान खरीदने के लिए। सो जो थे वहाँ पे, उन्होंने बताया कि उसके बाल जो है गर्मियों का टाइम आ गया है, तो उसके बाल की आप थोड़ी सी कटिंग करवा लीजिए, अदरवाइज इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। तो चलिए हम रेडी हैं जाने के लिए। और ये भाई सब यहाँ पे अंदर ओरियो भाई से परेशान हो गए। सो वी हैव रीच यहाँ पे, हमें इसके ओरियो के बाल कटवाने भाई फोन करके है। और ये भाई साहब कल भी हमें हेलो करने के लिए यहीं पे बैठे हुए थे। ओरियो यहाँ है, अंदर भीड़ है, कुछ काम चल रहा है, तो अभी वेट करना पड़ेगा हमको। कौन सा कट करवाना है? लाइन कट। उसमें क्या होता है? उसमें उसके बाल और पूंछ रहते हैं और वो बिल्कुल लाइन से लगते हैं। देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आएगा उसका। फाइनली उसका कट हो गया पूरा, लेकिन वो डर रहा है इसलिए उसे कॉर्नर में जाके छुप गया था। अब उसकी ट्रीट चल रही है और भैया ने उसके बाल काटे हैं। सही में पेशेंस चाहिए इस काम के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन भैया के लिए एप्रिसिएशन है। हम तो पकड़ ही रहे थे, लेकिन भैया ने पकड़ा भी है उसको और पूरा अच्छे से काटा भी है उसके, एकदम परफेक्ट लग रहा है। ये भैया इस शॉप के ओनर है, हेलो कर दो भैया। सो उन्होंने बोला कि ये थोड़े टाइम बाद अच्छा दिखने लग जाएगा, फिलहाल क्योंकि गर्मी है इसलिए हमने उसके बाल शेव करवा दिए थे। भैया अभी उसको उसकी ट्रीट्स खिला रहे हैं, अभी वो कॉर्नर में छुप गया था, ट्रीट्स देखा भैया ने जैसे ही निकाली वो बाहर आ गया। ओरियो। मुझे सही में नहीं लगा था कि इतना टाइम लगेगा, 2 घंटे लग गए। हम लोग यहाँ 10 बजे आ गए थे, 10 बजे से अब 12 बज चुका है, और भी सारे काम है, अब 2 घंटा यहीं लग गया। और भाई साहब इतने खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ओरियो। इन बालों को कुछ करना ही पड़ेगा। ओरियो। अभी घर आए तो डर गया है। ओरियो। हाँ वो तो करेंगे सही, अब गर्मी लग रही थी तो कटाने ही थे फिर वो। देखो ओरियो की ग्रूमिंग तो करा दी है, अब उसे घर पे छोड़ दिया है। बेचारा बहुत डरा हुआ है, लेकिन किसी के सामने नहीं आ रहा है, शर्म आ रही होगी शायद। अब मैं चल रहा हूँ मेरा थोड़ा बाल का करवाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट, देखिए क्या क्या होता है। वैसे कोई आइडिया तो है नहीं अपने को। सब पहुँच गए हैं फिलहाल सैलून पे, अब देखते हैं। यहाँ का सुना तो है काफ़ी पुराना सैलून है और काफ़ी अच्छा भी है, देखते हैं अब कैसे और क्या कराते हैं।
अभी बैठ तो गए हैं और ये भैया हमारा करने वाले हैं स्मूथनिंग करवा रहा हूँ। मुझे पता नहीं उतना क्या होता है, स्मूथनिंग करवा रहे हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद भैया है, शहनाज सैलून में बैठे हैं। बहुत पुराना सैलून है यहाँ का, देखते हैं क्या होता है बालों का। आज 1 साल हो गए हैं आज टोटल बढ़ाते हुए, देखें अब कैसे लगता है। स्मूथिंग चल रही है फिलहाल, एक ब्रेक लिया है भैया ने थोड़ा, तो हमने भी ब्रेक लिया। मतलब बैठे बैठे बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि अभी घर गए थे तो लंच किया था। लंच करने के बाद आपको पता ही नींद जो आती है। और प्रिया दी का वैसे मैं दिन बर्बाद कर रहा हूँ, आज इनका वीक ऑफ है तो भैया बैठे बैठे इनका दिन बर्बाद करवा रहा हूँ यहाँ पे। चलो बात करता हूँ। अभी बैठ गए, बस भैया ने क्रीम लगा दी है, उसके बाद ऐसे रैप कर दिया है वाल पे। अब यहाँ पे अराउंड हमें 35 मिनट बैठना है। भैया ने यहाँ पे टाइमर लगा दिया है, अभी 35 मिनट्स का टाइमर है, 32 मिनट्स बाकी हैं। अब 32 मिनट्स तक करें क्या, बैठे रहना पड़ेगा। और नींद तो बहुत ज्यादा आ रही है। दसवीं बार बोल दिया आपने, हम यही बोल रहे थे। आपने इतनी देर में कितने बार नेक नीचे करो बोला, बस नेक नीचे करो। टाइम 5 बजने वाले हैं और भैया को 20 मिनट तक ऐसे ही स्टिल रहना है। कट तो बहुत बेहतरीन हुआ है और फिलहाल हम बाहर आ गए। अब हम जाएंगे विक्की दा के ऑफिस जा रहे हैं। पैसा बर्बाद। नहीं मजा आ रहा? नहीं। कैसी बात कर रहे हो? अरे बहुत बेकार लग रहा है। नहीं क्या कर दिया तूने ये? बेकार लग रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है? पैसा बर्बाद। तो घर वालों का रिएक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया। मतलब अब वो होता है कि नया हेयर स्टाइल जब आप करवाते हो तो थोड़ा अजीब लगता है, बट टाइम होते ही थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, मेरे को नहीं पता था कि ऐसे इतने स्ट्रेट हो जाएंगे, बट अच्छे किए हैं भैया ने। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक ठोको, कमेंट दबाओ, कमेंट में बताओ कि कौन सा आपको पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और बाल अच्छे लगे कि नहीं, ये भी बताओ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।